काष्ठी संगमणि वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। कश्मीर प्राचीन काल से हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कश्मीर नाम की उत्पत्ति श्रद्धेय ऋषियों में से एक ऋषि कश्यप से हुई है। ये शांति सुंदरता और ज्ञान की भूमि रही है। ये भूमि परम दिव्य ज्ञान का निवास स्थान रही है जो अनादिकाल से महान संतों की शिक्षाओं में प्रकट हुआ है। सौंदर्य दर्शन काव्य भक्ति तथा कला के साथ ही गणित के क्षेत्र में भी इस भूमि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा लगध जैसे दुनिया के पहले ज्ञात गणितज्ञ भी इसी कश्मीर की प्राचीन राजधानी अवंतीपुर के निवासी थे। अवंतीपुर से ही वे किशोरावस्था में ही विद्यार्जन के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम सुदूर अवंतिका आए थे। लगध वैदिक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक वेदांग ज्योतिष के प्रणेता हैं। इनका काल 1350 ईस्वी पूर्व यानी 1293 विक्रम संवत पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ का उपयोग करके वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का समय निश्चित किया जाता था। इसे भारत में गणितीय खगोल शास्त्र पर आद्य कार्य माना जाता है। महात्मा लगध द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष काल विज्ञापक शास्त्र है। इसमें कहा गया है कि ठीक तिथि नक्षत्र पर किए गए यज्ञादि कार्य फल देते हैं। चारों वेदों में अलग अलग ज्योतिष थे। इसमें ऋक् तथा यजुः ज्योतिष के प्रणेता आचार्य महात्मा लगध थे। ज्योतिष शास्त्र के रूप में तीन स्कंधों में सिद्धांत संहिता एवं होरा की मुख्य रूप से भूमिका है। वेदांग ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष है जिसमें सूर्य तथा चंद्र की गति की गणित है। इसी के आधार पर दिन माह वर्ष तथा युग का निर्माण किया गया है। ये गणित श्रेष्ठ है। ये एक ऐसा विचार और पहल थी जिससे खुले आसमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर गणित के सहारे समय काल एवं ऋतुओं के विषय में जानकारी हासिल की गई। ये कालगणना धर्म कर्म के कारण उत्पन्न हुई, लेकिन उसका आधुनिक आज का स्वरूप निश्चित रूप से मनुष्य के लिए भारत से प्रारंभ किया गया था। 24 घंटे को एक दिन एवं 15 दिन का एक पक्ष तथा दो पक्षों का एक माह और 366 दिनों का एक वर्ष एवं एक वर्ष में 6 ऋतुओं का गणित महात्मा लगध ने सर्वप्रथम दिया था, जो लगभग सही है। सिर्फ नाम में अंतर हुआ है एवं कालगणना के कुछ अंश में परिवर्तन हुआ है। पृथ्वी पर दिन रात के लिए सुविकसित ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसे सूर्य तथा चंद्र से आकाश में इनके बारे में तारामंडल जिसे नक्षत्र एवं राशि से संबंध को त्रिराशिक नियम से जोड़ा गया। महात्मा लगध द्वारा दिए गए माह तथा ऋतुओं के नाम कुछ इस प्रकार थे: तप माघ, तपस्या फाल्गुन, मधु चैत्र, माधव वैशाख, शुक्र ज्येष्ठ, शुचि अषाढ़,
नमः श्रावण, नभस्य भाद्र, ईश अश्विन, उर्ज कार्तिक, सह मार्ग शीर्ष, सहस्त्र अर्थात पौष हैं। छह ऋतुओं का नाम शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं हेमंत है। इस प्रकार महात्मा लगध ने दिवस, मास, ऋतु, लग्न एवं धर्म कर्म के लिए जो व्यवस्था दी थी, वही गणना कालांतर में गणितीय खगोल शास्त्र का आधार बनी। महात्मा लगध का ये अवंतीपुर अपने हिंदू स्थापत्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आदिकाल से 13वीं शताब्दी तक विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित कई सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। शैव, वैष्णव व शक्ति भक्ति परंपरा के उल्लेख के बिना कश्मीर हमेशा अधूरा रहता है। यहाँ मौजूद हिंदू मंदिर स्थापत्य कश्मीर घाटी के सबसे प्राचीनतम हिंदू स्थापत्यों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि अवंतीपुर की स्थापना उत्पल वंश के पहले शासक अवंतीवर्मन ने की थी। उसने श्रीनगर के निकट अवंतीपुर, जिसका वर्तमान में प्रचलित नाम अवंतीपुरा है, बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र रहा है। अवंतीवर्मन ने इस नगर में विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर का निर्माण 855 से 883 ईस्वी यानी विक्रम संवत 912 से 940 के बीच में करवाया था, जिसे अवंती स्वामिन कहा जाता था। और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने शिव को समर्पित अवंतीश्वर नामक अवंतीपुरा में एक दूसरा हिंदू मंदिर भी बनाया। दोनों मंदिरों का निर्माण विशाल आयताकार पक्के प्रांगणों में किया गया था। ये मंदिर श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले में स्थित है। ये बेहद खूबसूरत मंदिर झेलम नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर में एक सभागृह में चार और मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्ति से पहले मंडप और चार स्तंभ भी हैं। अवंतीवर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान कश्मीर में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया था, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए। अवंतीवर्मन के शासनकाल के दौरान क्षेत्र समृद्ध हुआ। अवंती स्वामी मंदिर उस युग के दौरान कश्मीर के पत्थर के मंदिर की वास्तुकला का एक उदाहरण है। अवंतीपुर के इन मंदिरों का निर्माण अवंतीवर्मन ने करवाया था। विष्णु को समर्पित अवंती स्वामी मंदिर और शिव को समर्पित अवंतीश्वर मंदिर। अवंती स्वामी का मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन निर्माण नियोजन में मार्तंड सूर्य मंदिर के समान है। ये मंदिर प्रशस्त आंगन में अवस्थित है। इसके चारों कोनों पर चार मठ स्थित हैं। मुख्य द्वार के पास दो कक्षों का निर्माण किया गया है। इन पर विस्तृत नक्काशी की गई है। इन मंदिरों की वास्तुकला गांधार और रोमन शैली से प्रेरित है। कश्मीर का अवंतीपुर भारतीय हिंदू सनातन ज्ञान व भक्ति परंपरा का मजबूत प्रतीक है। संगमनी वसूना चिकित्सा
कितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ती। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।